जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। बुलेटिन में वक्त हो चला है आगे बढ़ने का और रुक करेंगे बड़ी जानकारी का जो जिस पर आज पूरे दिन हमारी निगाहें रहने वाली है। ज्ञानगढ़ पे श्रृंगार गौरी मामले में आज आएगा अहम फैसला। कोर्ट तय करेगा कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 140 लागू की गई है। शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है और यहाँ पर जो फुट मार्च है वो भी प्रशासनिक स्तर पर समय समय पर निकाला जा रहा है। तो श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज फैसला कोर्ट तय करेगा कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 140 लागू की गई है। शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है और जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी ओर से जो वाराणसी के मिश्रित इलाके हैं वहां पर समय समय पर फुट मार्च भी निकाला जा रहा है, पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। सीधे सीधे ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा प्रशासनिक स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं ज्ञानवापी पर फैसला आज जो आने वाला है उसको लेकर जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इतना ही नहीं, जिला अदालत ने 24 अगस्त को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। ये केस सुनने योग्य है या नहीं इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इतना ही नहीं, पिछले सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थी और मुस्लिम पक्ष के साथ साथ यहां पर हिंदू पक्ष की ओर से भी जो दलीलें हैं पूरी हो गई है। क्या था विवाद वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 5 हिंदू महिलाओं ने दरअसल जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसमें दावा किया गया था कि उनके धर्म की मूर्तियां मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं और उन्हें पूजा करने दी जाए, ये भी मांग की जा रही थी। महिलाओं ने हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। देखिए वही आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पूजा करने की अनुमति मांगी थी। एक निचली अदालत ने परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का इस दौरान आदेश भी दे दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी। तो समय दर समय इसमें जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। हिंदू पक्ष ने दावा किया था इस बीच के सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग भी मिला था। सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग मिला था, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करा और इससे फुहारा बताया था। इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिली थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग कर डाली थी। तो क्या था विवाद वो जानकारी, सेशन कोर्ट ने इसे सील कर दिया था जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अक्टूबर महीने के अगले हफ्ते में सुनवाई करेगा। तो देखिए 8 हफ्ते का यहां पर करीब संख्या, माफ कीजिएगा, जो हफ्ते हैं, जो समय है वो दिया गया था और ये करीब करीब जो समय है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पर आज जिला कोर्ट में